नमस्कार, मैं हूं राजन कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज पेयर। तेजस्वी यादव आज अचानक आरजेडी कार्यालय पहुंचे। आरजेडी कार्यालय पहुंचने के बाद तेजस्वी यादव का वह बड़ा बयान सुनाएंगे, लेकिन तेजस्वी यादव आरजेडी पहुंचते हैं सारे अधिकारियों में हरकंप मच जाता है। प्रदेश अध्यक्ष से लेकर तमाम नेता आरजेडी कार्यालय मौजूद रहते हैं और तेजस्वी यादव अचानक आरजेडी कार्यालय पहुंचते हैं। जब पत्रकारों ने सवाल किया गुलाम रसूल बलिया पर, तो तेजस्वी यादव ने साफ कहा कट्टरपंथियों के लिए बिहार में कोई जगह नहीं है। जदयू के पूर्व मंत्री एवं जदयू के नेता भी अभी हैं और उनके बारे में यह बयान तेजस्वी यादव यानी बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने, कट्टरपंथियों को लेकर कोई बिहार में जगह नहीं है, बीजेपी भी इसको आड़े हाथ लिया था। अब तेजस्वी यादव आरजेडी कार्यालय पहुंचने के बाद आप तस्वीर से आप देख सकते हैं कि तेजस्वी यादव अचानक से आरजेडी कार्यालय पहुंचते हैं और एक बड़ा बयान देते हैं। उन्होंने साफ कह दिया कि बिहार में कट्टरपंथियों के लिए जगह नहीं है, यानी जदयू के पूर्व मंत्री गुलाम रसूल बनिया को लेकर जो जवाब दिया है वो कहीं ना कहीं अब हैरान कर देने वाली बात है, क्योंकि महागठबंधन की सरकार है, सीएम नीतीश कुमार और तेजस्वी एक साथ है और जिस तरीके से गुलाम रसूल बनिया पर जो बयान दिया गया है कहीं ना कहीं महागठबंधन को तीखी झेलनी पड़ेगी। लेकिन जिस तरीके से तेजस्वी ने साफ तौर से क्लियर कर दिया है, बयान को क्या कैसे देख रहे हैं, बोल तो दिया।